और अब खबर बाड़मेर से है, जहां गांधीनगर कस्बे में भूखंड विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी के चलते कोतवाली पुलिस थाने में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा भी दर्ज करवाया जा चुका है। लेकिन एक बार फिर दोनों गुट आमने सामने हो गए और इस झगड़े में 3 से 4 लोग घायल भी हो गए हैं, जिनका उपचार राजकीय चिकित्सालय में जारी है। वहीं इस मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया है। और फिलहाल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक विवादित प्लॉट है, एक पार्टी बता रही है हमारा प्राण खरीद किया हुआ, उनके पास स्टाम्प है और एक पार्टी कह रही है कि हमारा पट्टा है, पट्टे धारक ने हमको बेचा है। इस विवाद को लेकर दोनों पार्टी उस प्लॉट पे अपना अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 3-4 दिन से विवाद चल रहा है। 3 दिन पहले भी दोनों पार्टियों के क्रॉस मुकदमे आपस में दर्ज हुए, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। तभी आज अचानक और विवाद हो गया, दोनों पार्टी आमने सामने हो गई, पत्थरबाजी की और 3-4 जनों की चोटें आई है उनकी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।